नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे SCR मॉड्यूल की, कि हम SCR मॉड्यूल को एज ए ट्रैक कैसे यूज कर सकते हैं और उसको साइन वेव इन्वर्टर के अंदर रिले की जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं, और स्क्वायर वेव इन्वर्टर के अंदर यूज अगर करना हो तो रिले की कॉन्फ़िगरेशन उससे कैसे बनेगी, वो सब हम आज के वीडियो में समझेंगे। दोस्तों आज ये मेरे पास एक PCB है, फ्यूजन मॉडल है सुकेम कंपनी का, 2.5 KVA 48 वोल्ट में 4 बैटरी का ये सिस्टम है। काफ़ी पुराना सिस्टम है ये, और इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट आप जो है आज भी यूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था दोस्तों, कि इसमें रिले की जगह पे ये आपका SCR मॉड्यूल यूज किया गया था, जहाँ पे हम रिले यूज करते हैं 20 एम्पीयर या 40 एम्पीयर की, उसके जगह पे यहाँ पे SCR मॉड्यूल यूज किया गया है, और इस मॉड्यूल को एज ए स्विच यहाँ पे यूज किया गया है दोस्तों। क्योंकि साइन वेव के अंदर क्या होता है कि जो रिले होती है वो पहली बात तो एक रिले लगती है चार्जिंग के लिए, अलग से टेपिंग नहीं होने की वजह से चार्जिंग वाली रिले यूज नहीं होती है। दूसरी बात, जो एक रिले यूज होती है चेंज ओवर की, उसके अंदर भी रिले का एक ही पॉइंट यूज होता है, यानी कि कॉमन और NC यूज होगा या फिर कॉमन या NO यूज होगा, वो कंपनीज अलग अलग यूज करती है, लेकिन एक ही पॉइंट आपका यूज होगा। NC खाली होगा या तो, या फिर NO जो है उनमें से कोई एक नॉट यूज होता है, यूज में नहीं होता है। तो इसका मतलब वो जो साइन वेव के अंदर रिले होती है वो सिंपली स्विच का काम करती है, यानी कि कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए, इनपुट को बाईपास करने के लिए और इनपुट को आपका ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि साइन वेव के अंदर सिंपली स्विच की तरह काम होता है रिले का, तो ये जो आपका SCR मॉड्यूल है इसको जो है ट्रैक यहाँ पे बना लिया गया है। अगर इनके दो पॉइंटों को हम देखें, ये पत्ती से शॉर्ट किए हैं, ये पत्ती लगा के इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया गया है। मैं व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो वायरिंग का कनेक्शन है वो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों SCR को कनेक्ट करके बैक टू बैक एक ट्रैक बना लिया गया है। और ट्रैक की फायरिंग के लिए ये देखिए, क्योंकि दो SCR हैं तो दो फायरिंग की ये जो हैं पल्सेज यहाँ पे आएंगी, आपका कैथोड और एमिटर, ये जो कनेक्टर है ये कैथोड एमिटर है, ऐसे ही ये कैथोड और गेट है, और ये आपका कैथोड और गेट दूसरे SCR के लिए है, यानी कि SCR को फायर करने के लिए कैथोड के रिस्पेक्ट में गेट में जो है पल्स देनी पड़ती है। तो ये दो वायर हैं कैथोड और गेट की, ये दो वायर हैं कैथोड और गेट दूसरे SCR की, ये यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये आपका कैथोड है और ये इसका गेट है 7 और 6 नंबर, ये 4 और 5 नंबर हैं। तो ये 4 वायरें हैं इसकी फायरिंग के लिए। 1 kHz की फ्रिक्वेंसी इसको हम देते हैं ताकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल में सेल्फ कम्यूटेशन अपने आप बंद ना हो। DC के केस में क्या होता है ट्रैक का, SCR या ट्रैक का, अगर SCR की बात करें, अगर एक बार हम उसको पल्स ऑन कर देते हैं तो DC जो है वो स्टेडी रहती है, वो अपना साइकिल चेंज नहीं करती है नेगेटिव पॉजिटिव। एक बार अगर SCR को ऑन करेंगे तो वो ऑन रह जाता है DC के केस में, ट्रैक की बात करें या SCR की। लेकिन क्योंकि AC हमने इसके अंदर से पास करवानी है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में वो अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए इसको बार बार ऑन करना पड़ता है 1 kHz की फ्रिक्वेंसी पर। इस जो दो SCR हैं इसके लिए यहाँ पर देखिए, ये ड्राइवर सर्किट है 1 kHz के लिए, उसके लिए सबसे पहले 555 ये IC लगी हुई है, टाइमर IC, जो कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रूप में यहाँ काम करेगी। 1 kHz की फ्रिक्वेंसी ये जनरेट करेगी, और वो 1 kHz की फ्रिक्वेंसी जो है इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराएगी, और ये ट्रांजिस्टर जो ट्रांसफार्मर की है एक वायर पे लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर की वायर पे लगने से ये ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराएगा। और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 1:1:1 है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है ऐसे ही दो टेपिंग जो हैं 1:1 की आपकी सेकेंडरी में होती हैं, तो एक ड्राइव देने से यहाँ पे हमारे को दो ड्राइव मिल जाएंगे हमारी सेकेंडरी पे। तो ये ड्राइव के सर्किट है, देखिए रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आपके जाएंगे आपका कैथोड और आपके गेट पे, ऐसे ही ये दूसरी ड्राइव जाएगी कैथोड और गेट पे, तो इस दोनों SCR को स्विचिंग करेगी, जिससे ये जो आपका दोनों SCR हैं ट्रैक की फॉर्म में, ये आपका AC को पास कर देंगे, और वो आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर समझा भी दूंगा। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि रिले हमारी जो है वो स्टक कर जाती है, आर्किंग करती है, जिससे हमारी NC या NO किसी एक पॉइंट पे रिले चिपक जाती है। ये वाला केस जो है इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, चिपकने का और आर्किंग होने का इसके अंदर कोई चांस नहीं है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था, और इसके कनेक्शन वगैरह, और ये जो मैं आपको इसके अंदर SCR के अंदर जो वायर्स हैं इनको मैं कनेक्ट करके कैसे SCR से ट्रैक बनाते हैं वो आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ।
तो दोस्तों जो हमारे एस सी आर मॉड्यूल के ऊपर जो ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक वैसा ही ब्लॉक डायग्राम हम पहले यहाँ बना लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। ये एक एस सी आर है, दूसरा एस सी आर है, ये दूसरा उसका पॉइंट है जहाँ पे हमने स्क्रू टाइट करना है, ये एक पॉइंट है, और इन दोनों के बीच से एक पॉइंट निकल के ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसमें हमने स्क्रू टाइट करना है। ये एक नंबर इस पर लिखा होता है, इसके ऊपर दो नंबर लिखा होगा और इसके ऊपर तीन नंबर लिखा होगा अगर आप परचेज करते हैं एस सी आर मॉड्यूल को। एक्चुअली हमने अब इसको ट्रैक बनाना है, तो ट्रैक का जो है फंडामेंटल जो है ये होता है इंटरनल, ये दो हमारे एस सी आर हैं, एक एस सी आर का एनोड दूसरे का कैथोड इधर जुड़ा होता है और एक का कैथोड दूसरे का एनोड इस तरफ जुड़ा होता है, और ये होते हैं मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, यानी कि दो पॉइंट होते हैं। एसी इधर से आएगी इधर निकल जाएगी या इधर से आएगी इधर निकल जाएगी, जैसे मर्जी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही फायरिंग हम देंगे दोनों एस सी आर को तो ये दोनों एस सी आर ऑन हो जाएंगे और ये जो ब्लॉक है ये आपका एक ट्रैक की तरह काम करेगा। अब हमने ठीक ऐसे इसको बनाना है। अब एक का जो है कैथोड और एक का एनोड इंटरनली जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ये ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है, और वो जुड़ा हुआ पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे एक नंबर पे। अब इसका कैथोड बचा हुआ है और इसका एनोड बचा हुआ है, तो अगर हम एक पत्ती लगा के यहाँ टाइट करें स्क्रू और दूसरा जो है पॉइंट यहाँ पे टाइट कर दें, इन दोनों को अगर शॉर्ट कर दें एक पत्ती से, तो अब ये कैथोड और ये एनोड भी यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। अब हमारा जो है ये ट्रैक बन गया है। अब इसका एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया है MT1 मेन टर्मिनल 1। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ या तो यहाँ पे लगा सकते हैं या यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि दोनों शॉर्ट हैं, तो मैं यहाँ पे मान के चलूँ तो ये हमारा हो गया MT2 मेन टर्मिनल 2, यानी कि यहाँ पे भी इनपुट देंगे तो यहाँ पे आपकी AC निकल जाएगी और वहाँ AC देंगे तो यहाँ से निकल जाएगी। हम इसकी अगर फायरिंग करेंगे तो फायरिंग के लिए ये आपका गेट है, ये आपके गेट हैं और ये आपका कैथोड है, तो कैथोड और गेट K1G1 हो गया और ये आपका K2G2 हो गया दूसरे SCR का कैथोड और गेट। यहाँ पे जैसे ही हम 1 kHz की फ्रीक्वेंसी देंगे दोनों SCR ऑन हो जाएंगे और AC इसके थ्रू पास हो जाएगी और ये हमारा स्विच की तरह काम करेगा। अगर हम दो SCR मॉड्यूल का यूज करके अगर रिले वाली कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल आप सेम वैसा बनाएं जैसा हमने पहले बनाया था SCR मॉड्यूल से ट्रैक बनाने वाला। ये हमारे दो हैं आपके, ये देखिए ये दो SCR हैं और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है जैसे हमारी SCR मॉड्यूल के ऊपर होती है। हमने क्या करना है, अब इसके एनोड को और इसके कैथोड को जोड़ना है। ये हमारा एक ट्रैक बन गया है, बिल्कुल सेम एक ट्रैक हम दूसरे मॉड्यूल से बना लेंगे। ये आपका एक SCR हो गया, ये आपका दूसरा SCR हो गया। अब इसका एनोड और उसका कैथोड हम जोड़ देंगे ट्रैक बनाने के लिए जैसे हम यूज करते हैं, और सेंटर वाला पॉइंट जो पहले था वो आपका इधर हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट इधर हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि दोनों जो SCR मॉड्यूल थे उनको ट्रैक बना लिया पहले दोनों को। अब ट्रैक बनाने के बाद जो पत्ती लगा के हमने शॉर्ट किया था SCR मॉड्यूल को, इसका एनोड और इसका कैथोड जोड़ने के लिए, अब इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे हम एक दूसरे के साथ, इन दोनों को भी शॉर्ट कर देंगे और एक पॉइंट हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ये आपके शॉर्ट है यहाँ पे मान लीजिए, ये एक पत्ती और लगा दी जिससे ये आपका शॉर्ट हो गया पूरा, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से निकल जाएगा और एक पॉइंट हमारा यहाँ से निकलेगा और एक ये। अब रिले वाला क्या हो गया, ये हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा, अगर हम स्टैटिक रिले बनाना चाहें तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। इनमें से आप एक को NC और एक को NO मान सकते हैं। अब इसके अंदर गेट पल्सेस कितनी आएंगी, 4 आएंगी, 2 इन SCR के लिए 2 इन SCR के लिए, ये हमारे गेट हैं SCR के। तो दोस्तों अगर हमने कॉमन को NO से कनेक्ट करना है तो इन दोनों SCR की 1 kHz की फ्रिक्वेंसी की जो पल्सेस हैं वो हम इनको सप्लाई करेंगे। जैसे इनको 1 kHz की फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो ये दोनों जो है SCR ऑन हो जाएंगे और ये ट्रैक काम करने लगेगा और ये कॉमन से जुड़ जाएगा। अब इसको बंद करके हमने इससे कनेक्ट करना है तो इसकी पल्सेस बंद कर देंगे और इनकी दोनों की पल्सेस स्टार्ट कर देंगे, तो ये कॉमन पॉइंट हमारा NC से कनेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से इनको पल्स देंगे तो ये वाली सप्लाई यहाँ आ जाएगी, और इनको बंद करके इन पे पल्स देंगे तो ये वाली सप्लाई हमारी एनओ वाली सप्लाई हमारी कॉमन पे आ जाएगी। तो ये रिले कितने काम कर सकता है, दो मॉड्यूल लगाएंगे हम, अगर उसके बीच में जो चेंज ओवर टाइम है वो आप सेट कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से कि किसको कितने इंटरवल के बाद इसको फायर कर, मान लीजिए 5 मिली सेकेंड के बाद इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करो 5 मिली सेकेंड के बाद जीरो क्रॉस को सेंस करेंगे, और जीरो क्रॉस को सेंस करके इनको फायर करेंगे तो ये बिल्कुल जहाँ पे हमारा मान लीजिए इन्वर्टर का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होता है और हमने मेंस का नेगेटिव हाफ साइकिल वहाँ सप्लाई करना है, तो जीरो क्रॉस सेंस करते ही हम इसका कुछ मिली सेकेंड के चेंज ओवर के बाद जो है नेगेटिव हाफ साइकिल से कनेक्ट कर सकते हैं जीरो क्रॉस को सेंस करके। तो दो SCR मॉड्यूल की मदद से हमने उनको ट्रैक बना लिया और दो ट्रैक लगा के हमने इसको रिले की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आज समझ लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको BT-139 या BT-140 का यूज़ करके हीट सिंक पे उनको माउंट करके इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी है और ये आपकी जो दूसरी वाली है ये आपकी रिले की कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, DSO पे आपको चेक भी करके दिखाऊं और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।